नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेजिटेरियन फूड स्टैंड में आपका स्वागत करती हूं। तो देखिए, आज फिर हम एक मज़ेदार सी रेसिपी बना रहे हैं। ये देखिए, लग रहा है ना पनीर, जैसे पनीर की सब्ज़ी, पर ये पनीर की नहीं है। तो देखिए, इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे। मैंने ले लिया एक कटोरी बेसन, 2 चम्मच साबुत धनिया, कुछ खड़े मसाले, उसमें मैंने एक मोटी इलायची, 5-7 काली मिर्च, 2 लौंग, 2 हरी इलायची और थोड़ी सी मैंने अजवाइन ले ली है, ठीक है। और साथ में मैंने ले लिए 5 से 6 हरी मिर्च, 1 अदरक का टुकड़ा। तो हम इसे बिना लहसुन प्याज के बनाएंगे, इतनी टेस्टी बनेगी कि मज़ा ही आ जाएगा और सॉफ्ट बिल्कुल। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बेसन को एक बड़े से बर्तन में ले लेंगे हम, और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे बिल्कुल, और पहले से अच्छी तरह से मिलाएंगे ताकि इसमें गांठे ना रहें। हमें थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें डालना है। तो ये देखिए, मैं इसको अच्छी तरह से मिला रही हूँ, ये देखिए। और हमें इसका बैटर ना ज़्यादा गाढ़ा बनाना है और ना ही पतला, मतलब हमें इसका बैटर, जैसे हम ढोकला बनाते हैं ना, उसके बैटर से थोड़ा सा गाढ़ा बनाना है। तो ये देखिए, इसे अच्छी तरह से इसे मिलाते रहिए ताकि इसकी गांठें भी ख़त्म हो जाए और अच्छे से फूल भी जाए, थोड़ा सा हल्का सा हो जाए, ये देखिए, जिससे कि सॉफ्ट बनेंगे बिल्कुल। तो देखिए, अब मैंने क्या किया, इसमें मैं डालूँगी, मिक्सी जार ले लिया मैंने, इसमें अपने जो सारे मसाले थे ना, हरी मिर्च, अदरक और ये खड़े मसाले, धनिया, इन सबको मैं, अजवाइन सबको मैं पीस लूँगी। थोड़ा सा पानी डाल दीजिए आप, या दही डाल दीजिए 1 चम्मच, और इसे पीस लीजिए। मैंने उसको पीस लिया। इधर मैंने क्या किया, बैटर देखिए 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था, और अब मैंने इसमें ना चुटकी भर मीठा सोडा डालेंगे, पाउडर नहीं, मीठा सोडा, और थोड़ी सी मैंने कलर के लिए चुटकी भर हल्दी डाल दी है, और उसको अच्छी तरह से मैंने मिला लिया है। और मैं 1 चम्मच ये वाला मसाला भी डाल दूँगी, ये देखिए। अजवाइन इसलिए डाली क्योंकि बेसन होता है ना, किसी किसी को डाइजेस्ट नहीं हो पाता, आप समझते, जैसे हम कढ़ी में भी बहुत से या पकौड़े बनाते हैं तो अजवाइन डालते हैं ना, इसी तरह से। तो बैटर को अच्छी तरह से मैंने मिला लिया, और एक बर्तन पर मैंने ऑयल लगा के इसे ग्रीस कर लिया। तो ये देखिए, इधर मैंने पानी को भी गर्म होने के लिए एक बर्तन में रख दिया था पहले से ही। अब हमें इसे ढक के इसे पकाना है, हमें कम से कम 10 या 11 मिनट के लिए, और 10-11 मिनट बाद देखिए मेरा बन चुका था। मैंने चक्कू डाल के देखा, बिल्कुल क्लीन निकल रहा था, और ये देखिए ठंडा होने के बाद कितने आसानी से इसके पीसीज निकल रहे हैं, ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से, ये देखिए। मैं सारे पीसेस को ऐसे निकाल लेती हूँ, और बिल्कुल सॉफ्ट हैं ये देखिए। तो चलिए, अब हम चलते हैं इसके और प्रोसेस की तरफ। तो मैंने क्या किया है, मैंने ले लिया है एक कढ़ाई, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने कढ़ाई पे अच्छी तरह से लगा दी, तो कि ना हम इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं, और थोड़ी सी जैसे ये देगी मिर्च होती है कलर के लिए, वो भी डाल के हल्का सा इस पर कलर चढ़ जाएगा। और तो देखिए, 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसे कर लिया बस, और अब मैं इसे निकाल लूँगी, ये देखिए इसका कलर भी थोड़ा सा लग रहा है ना, इसे हल्का सा और डार्क हो गया। अब उसी कढ़ाई को मैंने साफ़ कर लिया, और उसी में डाल दिया मैंने ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म होगा, इसमें डाल दूँगी मैं जीरा और हींग, ये देखिए। और जैसे ये तड़केगा तो हमने जो मसाला पीसा था ना मिक्सी में, वो डाल देंगे और उसे पकाएंगे हम। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट भी करिए कि ये सब्ज़ी आपको कैसी लगी रेसिपी मेरी। और जो मेरी वीडियो पे नए हैं वो भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो देखिए, इधर मेरी ये मसाला भी पक चुका है, और मैं इसमें, आप चाहें तो इस टाइम पे आप इसमें दही डाल सकते हैं, पर मैं दही नहीं डालूँगी, मैं इसमें टमाटर डालूंगी। पहले उससे पहले मैंने थोड़ा सा मसाले डाल दिए, जो कि नॉर्मल मसाले हैं, जैसे कि थोड़ी सी कलर के लिए देगी मिर्च 1/2 चम्मच के करीब मैंने डाली, इसमें हल्दी, और ये मसाले मैंने इसमें डाल दिया। देखिए, अब मैं डाल दूंगी फटाफट से इसमें टमाटर जो मैंने पीस के रखे हुए थे, और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया था नमक, क्योंकि इसमें नमक नहीं डाला था मैंने। और ये देखिए, मसाला भुन चुका है, इसने घी छोड़ दिया है। अब इसमें थोड़ी सी मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ, आपके पास हो तो डाल दीजिए, नहीं हो तो ज़रूरी नहीं है, कोई बात नहीं, पर इससे खुशबू बड़ी अच्छी आएगी। अब मैं इसे, मैं डाल दूँगी
पानी, पानी भी ना मैंने इसमें गरम डाला है। गरम पानी डालने से ना थोड़ा टेस्ट, सब्ज़ी के टेस्ट में बिल्कुल फ़र्क आ जाता है, बहुत टेस्टी बनती है सब्ज़ी। थोड़ा गरम पानी डालिए, आप इसे ठंडा ना डालें। और पकने उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया ये अपने ये बेसन वाले पीसीस। अगर आपको थिक चाहिए रेसिपी तो ज़्यादा पानी ना डालें, मतलब कि थोड़ी थिक थिक सी ग्रेवी चाहिए, पर मैं थोड़ी सी पतली ग्रेवी रखूँगी इसके साथ, क्योंकि ये भी ऑब्ज़र्व भी करेगा पानी को ये बेसन। तो मैंने ये देखिए इसे 2 से 3 मिनट तक मैंने इसे ढक के पकाया है, और देखिए इसने ऑब्ज़र्व कर, कितनी गज़ब की लग रही है ना पनीर। ऊपर से मैंने डाल दिया है इसमें गरम मसाला, और ये देखिए। अगर आप टमाटर नहीं डालना चाहते दही डाल दीजिए, दही भी नहीं है तो आपके पास अमचूर डाल दीजिए, पर बड़ी ज़बरदस्त सब्ज़ी बनती है ये। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएगी।